मजे में रहना। बड़े क्या हुआ? बड़े भाई का ऐसा मर्डर हो गया, फोन आया तो गया था मैं दादा मचोपड़ी के पास। मतलब मर्डर हुआ, मतलब कौन बोले आप लोगों को मर्डर हुआ? बोले बड़े भाई को फोन करके बोले, इनसे बड़े छोटे वालों को फोन करके बोले। कौन बोले? कौन बोले नहीं मालूम है। ये मतलब मारे कौन उनको? नहीं मालूम है, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। आपके बड़े भाई को क्या इतना लाई? कैसा हो, चाकू से मारे? चाकू से मारे बोल के जी। फ़ोन करने वाले कौन थे उनको? नहीं मालूम है, वो भी हैं। आपके बड़े भाई का नंबर उनके पास मौजूद रहना, कोई तो जान पहचान के होंगे वो, वहाँ पर के कोई लोग होंगे तो करे होंगे वो फ़ोन करके बोले। अभी क्या है, मतलब इनके जिस्म पे निशाना वगैरह कुछ है क्या? मतलब क्या चीज़ का निशान दिख रहा हो? चाकू का दिख रहा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बशारत नगर रंजन कॉलेज। कहाँ पे? बशारत नगर रंजन कॉलेज। किसी से कोई दुश्मनी है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या काम करते हैं? लोहार का काम करते हैं। इनका नाम क्या था? शेख हासिम। शादी शुदा थे ना? आप लोगों किसी पे शक है क्या? कुछ केस है उसमें इन्वॉल्व है? मतलब कोई दुश्मनी करा होगा ऐसा बोल सकते जी? हो तो थी किसी से दुश्मनी होंगी शायद, बोल नहीं सकते अपन भी कोई करा। इससे पहले आज से हाल हाल में महीना दो महीने में ऐसा कुछ हुआ था झगड़ा? हाल हाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पुरानी शायद। फिर भी अगर ड्रिंक तो करते थे नो, तो वो पी के करके लड़े करे तो छोटा रिक्वेस्ट बात है। पाँच बच्चे हैं। क्या थी उम्र? क्या थी? 35। अपना कंप्लेंट कराए? कंप्लेंट नहीं कराया, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था पलक में। ये हुआ कहाँ, इंसिडेंट हुआ कहाँ, जगह कौन सी? झोपड़ी के पास, दानामा की झोपड़ी के पास, वहाँ पर हुआ। तो इन्हों वहाँ पर क्या कर रहे थे? वहाँ पर ही काम करते थे इन्हों, तो वहाँ पर ही बैठना उठना ज़्यादा था इनका, तो वहाँ पर ही हमको फ़ोन आया तो गए, तो वहाँ पर गिरे हुए थे, तो ले लेके हम हॉस्पिटल को आते जाता। तो फिर यहाँ पर लाने के बाद डेथ हुआ या रास्ते में हुआ? नहीं, जब लेके आए, जब सांस चल रही थी यहाँ पर लेके आए, डॉक्टर बोले डेथ हो गया बोल के, यहाँ पर लाने तक ही डेथ हो गया। हाँ ठीक। मसाई रोड दानुमा झोपड़ी का मेरे भाई गिरे हुए थे, लेके आया हम यहाँ हॉस्पिटल, डेड हो गई बोल के बोले यहाँ पर। अभी मालूम तो नहीं हुआ कौन मारे क्या है, लेकिन मर्डर का दिख रहा है। कोई दुश्मनी वो थी क्या भाई की आपकी? तो नहीं मालूम, हम लोग मालूम हुआ जैसा गिरे हुए है बोल के वहाँ पर फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद हम जाके हम देखे तो गिरे हुए थे, हम गिरे हुए तो ले लेके हम हॉस्पिटल के ले लेके आके ऑटो में डाल के, हम लेके आने के बाद डेड हो गए बोल के बोले। क्या काम करते आपके भाई? लोहार है। क्या नाम था उनका? शेख हासिम। तो ये कहाँ पे हुआ? ये अंसारी रोड जो दानामा झोपड़ी का चौरस्ता है। आप लोगों को इत्तला कैसा मिली? वहाँ पर हमारे बड़े भाई का उनका बैठना उठना वहाँ पर ही था, वहाँ पर ही काम करते थे, तो वहाँ पर ऐसा हो गया बोल के हमारे बड़े भाई को फ़ोन आया, अली भाई बोल के उनको फ़ोन आया, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करे, तो मैं जाके देख के ले लेके यहाँ पर हॉस्पिटल को आ गया ऑटो में जाने। किसी से दुश्मनी थी क्या उनको? कुछ भी नहीं मालूम भैया। कुछ केसों में इन्वॉल्व है? नहीं मालूम है, अभी तो काम कर ले रहे थे वहीं, काम करते थे। पुराने कुछ केसेस है क्या? नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, पुराने केसेस हो ऐसे में तो कुछ भी नहीं, खाली काम करना घर को जाने का है, खाली ड्रिंक वो करते थे बस। अरे पुलिस को इन्फॉर्म करे नहीं करे आप लोग? पुलिस को वहाँ पर कंप्लेंट कर दिए बोले, हम लगा तो उतना टाइम नहीं मिला कंप्लेंट करने तक, ले लेके आके ऑटो में चलते यहाँ पर। हाल हाल में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं नहीं झगड़ा हुआ था तो मैंने नहीं। पुलिस वाले आए थे यहाँ पे? पुलिस वाले अभी तक तो नहीं आए यहाँ पर। उम्र क्या थी इनकी? बोली 40 के अबाउट है, 40 के करीब है, 35 आगे। स्टेटस मैरिड है? हाँ मैम, शादीशुदा है, पाँच बच्चे हैं। रहने वाले कुछ ऐसा केसेस वैसे थे क्या कुछ इनके भाई? कुछ केसेस तो थे क्या इनके? नहीं भाई केसेस तो नहीं थे, अब वो पहले के क्या है मालूम तो नहीं, कुछ बैतलहरी में लड़ाई झगड़ा कर लेते थे उन्होंने। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं किसी पे शक तो किसी पे शक नहीं।